हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है भाई आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू स्टार्स गेमिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त स्टार। तो दोस्तों आज हम टेस्ट करने वाले हैं जॉन डियर 5085M का, यानी कि 5085M। भाई ट्रैक्टर तो ये छोटा सा ही है लेकिन मैंने इसको बहुत बढ़िया मॉडिफाई कर दिया, हॉर्स पावर वगैरह बढ़ा दिया इसको, मॉडिफाइड है एकदम। और भाई आज इसके साथ लगाएंगे हम ट्रॉली का टेस्ट करेंगे और इसके जंप वम्प करवाएंगे थोड़े से और प्लो टेस्ट करेंगे, कल्टीवेटर भी करेंगे भाई, सब कुछ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो फटाफट। वेलकम बैक दोस्तों। तो यार ये काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा था, इसकी टेस्टिंग करनी थी और मुझे तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन भाई आज मुझे मौका मिल ही गया। तो अंदर से एक बार आपको दिखाता हूँ, इसके साथ कैबिन भी है छोटी सी। और ये देखो यार अंदर से बढ़िया सा, और एक देख लेते हैं इसके अंदर कोई ऑप्शन है क्या। नहीं भाई कोई ऑप्शन नहीं है। ओके तो हॉर्न मैंने इसका लगा दिया बढ़िया सा, देखो तो ये हो गया भाई इसका हॉर्न। आपको दिखा देता हूँ एक बार इसको अंदर से। तो ये स्मॉल ट्रैक्टर्स की लिस्ट में आता था वैसे, तो मैंने इसको मॉडिफाई करके थोड़ा बड़ा कर दिया। कहाँ गया भाई, ये है भाई जॉन डियर। तो इसका असली नाम, असली जो है ये ओरिजिनल ट्रैक्टर है। तो मैंने इसकी सिर्फ हॉर्स पावर बढ़ाई है, ये थी 85 मैंने 450 कर दी, स्पीड थी इसकी 40 की मैंने 100 कर दी। और पहिए इसके अंदर अगर आप देखो तो नॉर्मल हैं ये, और पहिए इसके अंदर दो तरह के हैं, एक नोकियन है भाई और एक ये। तो हम लेंगे टैलीब्रॉक के, यार ये ट्रेलबॉर्ग है, ट्रेलबॉर्ग। ओके तो ये वाइट टायर्स हैं और मोटे वाले, और ये वेट तो मैंने ये लिए हैं भाई। तो इसके साथ करते हैं टेस्ट, देखते हैं भाई आज ये क्या क्या माल खींच सकता है। तो चलो इसको करवाते हैं एक बार बढ़िया सा जंप, भाई को ले चलते हैं इधर अंदर चलाएंगे थोड़ा सा। यार अच्छा लग रहा है देखने में भाई, बहुत ही प्यारा ट्रैक्टर, छोटा सा है, नन्ना मुन्ना, शायद 4x4 है, अभी पता नहीं, अभी पता चल जाएगा जब इसके टेस्ट होगा तो पता लगेगा। चारों पहिए घूम रहे के दो, ये जा रहा भाई अपना छोटा सा, देखो जॉन डियर। और ये क्या, ओ भाई रो भाई रो, गदर भाजी गदर भाई, बहुत ही बढ़िया। और बल्ले कमाल करता भाई, फटे चकते पे मुंडे ने भाई, बहुत बढ़िया जंप मारता, मैंने उम्मीद नहीं सी इन्हें जंप मारेगा उच्चा। भाई देखो बहुत बढ़िया जंप मारता है इन्हें, बत्ती जगा लेंगे ऊपर दी यार ये। भाई बीकन से जरा मज़ा सा आता है, लाइट जल जाती है तो। तो अब करते हैं इसका प्लो टेस्ट करेंगे पहले। भाई हॉर्स पावर 450 कर दिया तो टेस्ट भी तो बनता है ना बढ़िया सा। तो पहले करते हैं 4 मीटर के साथ, और सॉरी 5 मीटर के साथ ये। ओ यार इधर आ इधर आ। तो यार मुझे यहाँ पर और करनी पड़ेगी कुछ, यहाँ पर फसल लगा के मुझे यहाँ पर, क्योंकि ये सारे टेस्ट कर करके खेत ख़राब हो चुका। तो चलो इसको करते हैं डाउन, हो जा भाई थल्ले, और 3 दबा देते हैं। ओ भाई ओ 13 पे, ओ 13 पे कर रहा है भाई ये तो। यार देखो ओ भाई 12 पे नहीं 13 पे भी लेके जा रहा उसको, देखो 12 13 12 13। ओ भाई छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ओ यार क्या भाई मॉडिफाइड ट्रैक्टर है ये, ओरिजिनल ट्रैक्टर था उसकी हॉर्स पावर कम थी, फिर मज़ा नहीं आता टेस्टिंग में। तो भाई देखो यार मॉडिफाई करके इंजन को मैंने क्या बढ़िया कर दिया। तो चलो करते हैं इसको यार एक बार बाहर ले चलते हैं। तो यार ये तो 10 मीटर वाले को भी खींच देगा यार, कि 10 मीटर वाले को मुझे लग रहा है ये खींच देगा, 12 की स्पीड है उसकी। तो देखते हैं इसको, एक मिनट यहाँ खड़ा करता हूँ बाहर, तो इसको हटाता हूँ एक मिनट, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ भाई एक मिनट, मैं भी देख लो जरा प्लो। तो ये है प्लो, इसकी मैक्सिमम स्पीड है 12 की, तो ठीक है इसको, इसने इसको 12 से नहीं 13 पे खींच दिया भाई। और एक प्लो जो अपने पास है ओरिजिनल ये वाला भाई, इसकी स्पीड भी 12 की है, ठीक है ये मेरे पास एक है, दोनों की स्पीड 12 12 है। तो भाई इसने 12 पे नहीं आज तो इसने 13 पे खींच दिया, कमाल है यार भाई। जॉन डियर तो बहुत जान है, जॉन डियर भाई बेस्ट ट्रैक्टर है भाई, सारे ट्रैक्टर बढ़िया होते हैं भाई। देखो किसी को कोई ट्रैक्टर पसंद होता है, किसी को कोई होता है, तो किसी ट्रैक्टर के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। एक भाई साहब कह रहे थे बढ़िया बढ़िया गल सी, पाजी ने बहुत अच्छी गल कही कि सारे ट्रैक्टर बढ़िया होते हैं, मैं भी यही मानता हूँ। तो चलो खोलते हैं इसको भाई, देखो किसकी किसी की चॉइस कौन सी, किसी की चॉइस कौन सी है, तो कुछ नहीं कह सकते। तो लगाते हैं भाई 10 मीटर प्लो को और करते हैं इसको डाउन, ये गया जमीन के अंदर। अब दबाते हैं क्रूज मोड 8। ओ भाई फुल स्पीड, ओ बाजी फुल स्पीड, अरे वाह भाई वाह,
वो पाइप फुल स्पीड से खींचता 11-12, थोड़ा टेढ़ा चल रहा है क्योंकि भाई इसकी हिच नीची है, काफ़ी पुराना मेरे ख्याल मॉडल है ये, थोड़ा पुराना है तो इसकी हिच थोड़ी नीची है इसलिए दिक्कत हो रही है। तो सीधा चलाते हैं इसको, सीधा नहीं चल रहा क्योंकि हिच के हिसाब से वो भाग रहा है, तो लेकिन 12 पे कर रहा भाई देखो। चलो भाई बहुत बढ़िया, भाई बहुत बढ़िया, इसको करते हैं बंद, बाहर ले चलते हैं। चल भाई आ जा। तो देखो पलट नहीं रहा, पलट रहा है अभी, मतलब एक बार भी नहीं पलटा, ये बढ़िया चल रहा फर्स्ट क्लास, देखते हैं। तो पलटता जब है, जब पीछे लोड ज़्यादा हो जाता है, खींच नीची होती है, लोड एकदम खींच नहीं पाता। चल भाई मज़ा दिला तभी अन्य ताज, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। इसको करते हैं बाहर खड़ा, चलो उन्हें बाहर यहाँ पे उतार देंगे। अरे नहीं 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 सॉरी 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 भाई, इतने सारे बटन हैं, कई बार कौन सा बटन दब जाता है, कई बार कौन सा। तो भाई 24 मीटर के साथ करते हैं इसका टेस्ट, 24 मीटर का कल्टीवेट देखते हैं कल्टीवेटर खींच पाएगा कि नहीं। अगर खींचता भाई तब बल्ले बल्ले, सारे ट्रैक्टर थल्ले थल्ले, जॉन डीयर ऊपर ऊपर। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब मजाक कर रहे थे। तो चलते हैं इसको लेके भाई, देखते हैं खींचेगा कि नहीं, खोल लेते हैं इसको एक बार। मैं काम करता हूँ, जो ये कल्टीवेटर वगैरह है इनको मैं पहले ही खोल के खड़ा कर देता हूँ ताकि टाइम ना ख़राब हो, है ना, क्योंकि इसमें टाइम ख़राब होता है, एक मिनट तो ख़राब हो ही जाता है। देखो ये खुलने में टाइम लेता है, इसको अब ऐसे ही खड़ा कर दूंगा बाहर। ये क्या भाई कल्टीवेटर अपना, और करते हैं वी से डाउन और 3 दबा देते हैं। ओ भाई फुल 15 की स्पीड, ओ भाई 15 की स्पीड पे लेके जा रहा है देखो। तो ये 5 सीरीज का है, ये 5085 है ना, तो जो 6 सीरीज की है वो 6 से शुरू होते हैं, 6 से, जो 7 सीरीज की है वो 7 से मॉडल है, तो ये 5 सीरीज का है, ये मतलब काफ़ी पुराना ट्रैक्टर है। तो भाई 15 पे खींच दिया बढ़िया सा, बहुत बढ़िया, मज़ा दिलाता भाई, बहुत बढ़िया भाई, 100 नंबर भाई, एक बार भी फेल नहीं हुआ अभी तक है, देख लो छोटा जाएगा। चल 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 बार 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 भाई, वो बहुत बड़ा है और ये ट्रैक्टर बहुत हल्का है, वो बहुत हैवी है, कल्टीवेटर बहुत भारा है भाई, ST820। ओ सीधा चल, यदि हिच नीची है तो अभी मैं क्या करता हूँ कि भाई इसको बंद नहीं करूँगा मैं, इसको ऐसे ही खड़ा कर दूँगा क्योंकि बार बार मुझे खोलना पड़ता है। ओहो अरे यार ये समझ नहीं आया, तो इसको ऐसे ही कर देते हैं खड़ा। चल भाई आ जा, लो भाई खींच दिया इसने फर्स्ट क्लास, और बहुत ही बढ़िया भाई कल्टीवेटर, एक बार छोटे से भी कर लेते हैं, बड़े को खींच दिया तो इसको भी उड़ा देगा। 24 मीटर तो इसने खींच दिया, ये कल्टीवेटर छोटा है, ये इसको खोल लेते हैं एक बार पहले फटाफट से, तो इसके ऊपर ही कर देता हूँ, आगे ले चलता हूँ थोड़ा सा, यार खेत सारा ख़राब हो चुका है भाई, 100 की स्पीड है देखो क्या भाग रहा है। करते हैं डाउन वी से भाई, ये कल्टीवेटर थोड़ा स्लो काम करता है। ओ भाई 15 फुल पावर, 15 पे ले गया भाई, 15 पे ले आ रहा भाई, 15 पे। चल भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओ फटे चकते तू, हूँ देख दिया तेरी टंगा ऊपर होंगे कि नहीं, टंगा चुकते होने दिया, नहीं नहीं आई मीन टंगा नहीं चुकते आप, खड़ा हो जाता आप ही, मैं देखो कुछ नहीं करता तो वो अपने आप ही हो जाता भाई। चलो इसको ले चलते हैं बाहर, इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि इसकी तो इसके साथ टेस्ट कम करते हैं हम। देखो यार कितना छोटा सा ट्रैक्टर है और कितने बड़े बड़े काम कर दिए भाई इसने, मज़ा तो आता भाई। ओ हट जो भाई हट जाओ। तो आज नया हॉर्न लगाया भाई इसके अंदर, ये देखो पा 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 पा। अच्छा लग रहा भाई, बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक भाई, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने कहा चलो इसके साथ हॉर्न यही लगाते, और ब्रेक फोर्स मैंने थोड़ी सी आज बढ़ाई है, इसकी ब्रेक जल्दी लग जाती है। चलो इसको करते हैं ट्रॉली के साथ, देखते हैं अगर लग जाएगा तो ठीक है भाई, नहीं तो फिर कुछ और करना पड़ेगा क्योंकि तो ट्रॉली के साथ लगेगा नहीं, मुश्किल। लग गया वो भाई, लग गया फर्स्ट क्लास, उम्मीद से भी बढ़ के काम कर दिया इसने तो। चलो अब लाते हैं भाई इसको यहाँ पे, तो इसको भाई डालते हैं अब, कनोला ही डालूँगा भाई, मेरे पास कनोला ही है, तो डालते हैं कनोला, 2 लाख फटाफट से इसमें, 2 लाख तो खींच ही देगा। तो ये गई भाई अपनी कनोला, छोटा कर लो यार व्यू जरा,
ये कही 1 लाख, 1.5, 1.70, 1.80, 1.90, 2 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई को, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कह रहे आन दो होर माल, कोई दिक्कत नहीं मैनू, थोड़ा थल्ले हो गया देखो, ओ ओ ओ प्रॉब्लम हो गई, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, मुड़ नहीं रहा, ओ भाई ये क्या हुआ, हाँ की होया, कट नहीं रहा भाई, आगे वेट नहीं है ना, आगे वेट नहीं है, वेट कम है, वेट कम है, ओ ओ ओ ए मिट्टी में लगता है यहाँ पे कुछ चिकनाई है या सर्फ डाला हुआ है ये भागता है ट्रैक्टर, मड़गाड़ अंदर पड़ गया भाई, मड़गाड़ अंदर चला गया, पहिए ऊपर आ गए, वापस लेके चलते हैं, इसमें और भरते हैं थोड़ा सा सामान, भाई काट तो रहा है लेकिन स्लिप हो रहा है, एक मिनट रोक के चलाते हैं, आराम से चलाना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा आराम ना चलाना पड़ेगा, ओहो हो इधर 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 इधर, बस 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 भाई हिच नीचे है, हिच दब गई है ना इसलिए वो पीछे से लोड नहीं ले नहीं पा रहा, चलो 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 इधर इधर इधर, अरे यार खंबे च नहीं पड़ना, ओ भाई ओ भाई ओ भाई बैग जा रहा, रुक जा रुक जा रुक जा, वेट लगाता हूँ भाई आगे, वेट लगाता हूँ तब काम बनेगा, तो ये पड़ा हुआ वेट यहाँ पे 33 किलो का, इसको लगाता हूँ, रुक जा रुक जा रुक जा, वेट लगा वेट लगा वेट लगा, वापिस चल वापिस चल, देखता हूँ वेट ऐसी ले लेगा नहीं तो फिर इसको हटाना पड़ेगा, नहीं भाई नहीं ले रहा नहीं ले रहा, एक मिनट लोड ज़्यादा हो रहा है भाई पीछे, एक मिनट वेट लगाते हैं इसमें, आ गया भाई वेट ले भाई, तो भाई वेट, ओ भाई ओ यार वेट इतना ज़्यादा है कि ट्रैक्टर खड़ा ही हो गया देखो कितना हल्का है, 3300 किलो वेट आगे लगाया तो भाई आगे खड़ा हो गया, एक मिनट यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, एक मिनट इसको सीधा कर लूँ, वेट भी लग जाएगा फिर, और आ जा पीछे आ जा, हाँ अब सही, इतना हल्का है देखो, मैंने व्हील वेट भी लगा रखा है लेकिन भाई इतना बड़ा वेट है 3300 किलो का कि भाई यह खड़ा हो गया, अब ले चला, अब सही है, फोन सही है भाई फर्स्ट क्लास, देखो हम कट भी रहा, अब कट भी रहा है देखो चारों तरफ से और दिक्कत नहीं है कोई, अब ये देखो मुड़ गया कितने प्यार से, चलो अब इसके अंदर भरते हैं और थोड़ा सा पनोला, 3 लाख करते हैं अब भाई, धीरे धीरे करेंगे, छोटा ट्रैक्टर है इसकी, नहीं तो एकदम ही इसकी सांसें रुक जाएंगी भाई, बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई ने पंगा पै जाएगा, तो अब भरते हैं भाई 3 लाख, देखता हूँ 3 लाख से आगे भी 3 लाख, ओ भाई बम्पर तो अंदर ही पड़ गए, बम्पर अंदर चले गए भाई बिल्कुल एकदम, ट्रैक्टर देख रहे हो वेट लगाने के बाद भी ट्रैक्टर कितना ऊपर हो रहा, 3300 किलो का वेट है भाई, 3300, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मुड़ रहा है आराम से मुड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं हो रही, चलो अब डालते हैं और ले चलते हैं इसको सीधा अंदर से, देखते हैं भाई इसको एक बार, डिजिटल मीटर लगा लेकिन मीटर काम क्यों नहीं कर रहा, तो काफ़ी पुराना मॉडल है भाई ये, छोटा ट्रैक्टर है, चलो 1 लाख और डालते हैं, 4 लाख, एक मिनट कहाँ पे खाली है ट्रॉली भाई, पीछे ट्रॉली खाली, बीच में डाल देते, चलो चलो अब डालते हैं भाई 1 लाख और, ये कि भाई 370 380 4, ओ भाई रुक जा रुक जा रुक जा, 420 हो गई भाई, 430,000, ओ भाई खींच दिया भाई आराम से, मुड़ भी रहा है फर्स्ट क्लास, कट रहा है, काट दिया भाई काट दिया, देखो इधर कोई चलते हैं भाई, उधर रोड है उधर नहीं जाना, रोड पे फिर यार ये फंस जाएगा, चल इसके ऊपर चढ़ा दे, हाँ ले आ ले आ ले आ भाई, चौकते फट्टे भाई, 4.25 लाख माल, 4,30,000 ले जा रहा खींच के भाई आराम से, कोई परेशानी नहीं है, ओ आ क्या होया, ओह थोड़ी देर के लिए भाई रुक गया था वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ओ ये क्या, आ जा नीचे आ जा, देखो भाई कैसे हो गया ऊपर को, चलो ये क्या हुआ, उत्थे फंस गया, हाँ ले आ ले आ ले आ, शाबाश भाई, 3, 4 पे 5 पे खींच रहा भाई, जोर लगा रहा पूरा, 6 पे, ओ सॉरी 5 पे 6 पे नहीं गया अभी, 6
5-6, 5-6 पे ले जा रहा है, 6-5-6 पे खींच रहा भाई। इतना छोटा सा ट्रैक्टर देखो, इतना सारा, इतना भारी सामान खींच रहा है। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। लो भाई 7 पे भी यार, 7 पे चला गया। चलो मोड़ते हैं इसको। ओ भाई कट नहीं रहा, दिक्कत हो गई, यहाँ पे दिक्कत हो गई। वापस करते हैं, वापस करके काटते हैं इसको इधर को। चल चल चल, कट दे कट दे कट दे, शाबाश शाबाश, चल 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 चल, कट दे, चल सीधा चल, बैक चल भाई। चारों पहिए घूम रहे हैं, 4x4 लग रहा है ना, 4x4 ही है, चारों पहिए घूम रहे हैं। देखो अगले पहिए नीचे लगे हैं, लेकिन वेट काम, वेट 3300 किलो वेट के बावजूद भी भाई चल नहीं पा रहा, पीछे चल रहा है बस। पीछे इसलिए चल रहा है ना क्योंकि अगले पहिए काम नहीं कर रहे, पिछले पहिए दबे हुए हैं तो काम कर रहे हैं। अब क्या हो गया, अभी तो खींच रहा था भाई, क्या हो गया इसको, क्या ही करता है यार। एक मिनट, ओ यार ये तो आगे से खड़ा हो जाएगा यार, इसका वेट होता है। चल भाई देखो एक बार, पहिए नहीं उठे बंदे को, ट्रैक्टर आई मीन पहिए नहीं उठे अभी तक। लो पीछे कर दें, अब पीछे भी नहीं जा रहा, आगे भी नहीं जा रहा भाई, क्या चक्कर है, इस पॉइंट पे कोई दिक्कत है, फंस गया। 4 लाख कनोला नहीं खींच पा रहा। एक मिनट झटका देते हैं इसको एक बार, एक, ओ ओ ओ, चल 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 ले जाए भाई, चारों पहिए घूम रहे, 4x4 ट्रैक्टर है भाई। पीछे चल, चल 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 चल, नहीं ले जा रहा, अभी तो लेके जा रहा था, पता नहीं क्या हो गया, अचानक ही भाई रुक गया। चलो एक काम करते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। रुक जा भाई रुक जा, एक मिनट, उस ट्रॉली को वापस डालना पड़ेगा। 4 लाख मतलब 9 लाख खींच देगा, 4 लाख। ओहो हो भाई, अच्छा अच्छा भाई, इसको तो आराम से चलाना पड़ेगा, मैं तो भूल ही गया था, ये तो हॉर्स पावर ज़्यादा वाला है। आराम से आराम से आराम से आराम से, चल भाई तू तो खींच देगा, कोई तो आराम ना खींच देगा भाई, ये तो 1000 हॉर्स पावर का है। चलो भाई इसको डालते हैं वापस, कनोला डाल देते हैं वापस अपनी, ख़त्म करते हैं इसको। चलो 4 लाख कनोला खींच दी, तो 3 लाख गाजर खींच देगा इसके हिसाब से। अब करते हैं इसका टेस्ट उस दूसरे ट्रेलर के साथ। चल भाई तू इतनी रुक जा जी, तेनों बाद चो देखना। अब लेते हैं दूसरी वाली ट्रॉली, दूसरे ट्रेलर, विल्सन वाले ट्रक वाले ट्रेलर हैं वो, ये तो ट्रैक्टर की ट्रॉली पीछे लगती है। तो अब लगाते हैं भाई इसको, आ जा भाई आ जा भाई। एक भाजी कैसी वीडियो छोटे बनाया करो भाई, देखो टेस्टिंग मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, आपके सामने ही करता हूँ जो करता हूँ। अब इतना टाइम तो भाई 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं, अब टेस्टिंग में तो कितना टाइम लग जाए भाई मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। चलो अब इसमें डाल देते हैं पहले, तो चलो 3 लाख गाजर के साथ करते हैं इसका टेस्ट। 3 लाख तो इसने खींची थी, तो गाजर भी 3 लाख खींच ही देगा। ये रही अभी गाजर, 3 लाख भरते हैं पहले गाजर। ये क्या हो रहा है, अच्छा भाई ये कल ये टेस्टिंग कर करके खेत ख़त्म हो गया देखो, लेकिन अभी बहुत सारा पड़ा अपने पास यार, कोई टेंशन। ओ ओ भाई 3 लाख गाजर पे खड़ा हो गया, नहीं खींच पाए, नहीं 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 भाई नहीं, 3 लाख गाजर पे खड़ा हो गया ये तो। एक मिनट अब वेट लगाना पड़ेगा, वेट वहाँ पे पड़ा यार, वेट लगा के ये आगे से नीचे हो जाता है क्योंकि इसका इंजन आगे है ना, तो वेट वेट भी आगे हो गया तो ये खड़ा हो जाएगा। चलो इसको वापस से लेके चलते हैं, देखो भाई 4x4 है इसलिए चल रहा है, अगर 2x2 होता पिछले पहिए में होती जान तो ये पीछे नहीं चल पाता। देखो भाई आज की हो रहा है जॉन डीन, इसको ले चलते हैं इधर को इधर को इधर को, लगाते हैं भाई ट्रैक्टर उसको, आज नवा काम हो रहा है।
आ जा आ जा, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर भाई, इधर आ, और इधर को, इधर को थोड़ा आगे चल भाई। देखो दो पहिए पे चल रहा है। कमाल कर दे, आज तक ऐसा नहीं हुआ। देखो चल भाई, अब आया नीचे। खींच दी भाई, खींच दी, एक मिनट, बस बस खींच दी भाई। और एक मिनट और भरते इसमें पीछे 2 लाख माल, तो 4 लाख तो इसने खींच दिया। 5 लाख के साथ टेस्ट करते हैं, 5 लाख खींचेगा कि नहीं खींचेगा। तो ये गई कनोला, भर दूंगा मैं 2 लाख। ये गई 2 लाख, ठीक है भाई। 5 लाख, लो भाई 5 लाख माल खींच दिया छोटे से ट्रैक्टर में, देख। और कोई दिक्कत, घूम चल रहा है भाई, चल रहा, आराम से चल रहा, कोई टेंशन नहीं है। 13, 14, 15, ओ भाजी, ओ देखो इसके ये अटक अटक के इसलिए चल रहा है क्योंकि इसके पहिए और मडगार दोनों आपस में टकरा रहे हैं बहुत बुरी तरह। ओ भाई भाई 18-20 पे खींच रहा, 20 पे 21 पे ले जाएगा, मतलब 22-23 फुल स्पीड हो जाएगी अगर इसको चलाते रहेंगे एक सीधे से रोड के ऊपर। चल चल चल, ओ भाई आराम से काट दी, देखो दोनों ट्रेलर आराम से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओ वाह भाई 50-85। चलो अंदर से लेके चलते हैं, अंदर से लेके जाते नहीं हम कभी कभी, तो इसकी बीकन जला लेंगे यार। एक भाई कहता है बीकन चला के करा करो टेस्टिंग, अच्छा लगता है। तो चलो 1 लाख और बढ़ते हैं, 6 लाख के देखते हैं, मैक्सिमम 6 लाख की टेस्टिंग करते हैं हम। तो 6 लाख कनोला और 3 लाख गाजर, मतलब 3 लाख कनोला खींचेगा। तो लास्ट टेस्ट है भाई, इसके बाद करते हैं इसको एंड। बस भाई बस, रुक जा यार, वेट एक मिनट, देखते हैं कनोला नहीं आ रही, थोड़ा आगे चला गया, और आगे और पीछे आगे भैया। तो ये कि भाई 3 लाख और 3 लाख, 6 लाख माल, टोटल 6 लाख माल हो चुका है। तो खींच दिया भाई, भाई ने देखो, ओ भाई देखो छोटा या ट्रैक्टर और क्या मज़ेदार काम कर रहा है, कितना बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। और आराम से देखो मोड़ भी रहा, कितने आराम से ट्रेलर कट रहे हैं, और ये पचड़ाने। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ भाई इसमें भी कोई दिक्कत है, वो थोड़ी सी ऊंची नीची जगह भाई, देखो पहिए देखो ज़मीन के अंदर जा रहे हैं फुल, और ट्रैक्टर इतना सारा वेट लगाने के बाद भी ट्रैक्टर देखो कहाँ खड़ा, कहाँ मतलब जा रहा है। एक मिनट, अगर रुक जा। ओ ये क्या भाई, स्लिप हो रहा, बहुत जान है भाई ट्रैक्टर में, छोटा सा ट्रैक्टर है लेकिन जान बहुत। एक मिनट, ओह पेड़ लगाने के बाद नहीं खींच पाएगा, खींच देगा, ओ भाई खींच रहा। एक मिनट, इस वेट को लगा के पीछे करते हैं भाई, देखो कितनी जान है, इतनी जान है कि पीछे भी लेके जा रहा आराम ना, तो बिना वेट के आगे चलेगा, बिना वेट के नहीं चलेगा भाई, वेट चाहिए, वेट चाहिए भाई, वेट चाहिए। 6 लाख खींच दिया वेट के साथ, और पीछे लेके जा रहा, लेकिन पिछले भैया जान, पिछले भैया फुल पावर है, नहीं भाई नहीं। चलो भाई 6 लाख माल खींच दिया वेट के साथ, इसको हटाते हैं एक बार। चल भाई आ जा, और लगा ले वेट भाई, लगा ले वेट, लगा के बगैर नहीं चलेगा, वेट लाए बगैर नहीं चलूँगा भैया। एक मिनट, आ जाओ भैया, आ जाओ, इसको ले चलते हैं भाई एक बार वापस, फिर करते हैं इसको ख़त्म बस। चल भाई ओके, चल हूँ तक खींच दे, चल 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 चल, मोड़ तो दे, बस भाई बस, चल भाई काके खींच दे वापस हूँ। ओ यार रुक गया भाई, चलो चलो कोई गल नहीं, चलो ठीक है भाई, खींच तो दिया। अब उतरते हैं भाई इसके ऊपर से, इसका हो गया आज टेस्ट। तो भाई ये था जॉन डीयर 5085M, तो इस ये है 5 सीरीज़ का, तो ये काफ़ी पुराना ट्रैक्टर था, काफ़ी दिन से मेरे पास पड़ा था, तो मैंने सोचा था इसको मॉडिफाई करके आपको आज टेस्ट करके दिखाऊं यार बढ़िया सा। तो भाई कैसा लगा इसका गेम प्ले वीडियो जल्दी से बताना, कमेंट लाइक कर देना। फिर इसके बाद मैं शोरूम मैंने बना लिए हैं भाई, कल शोरूम में बहुत दिक्कत आई थी क्योंकि जो शोरूम का मोड था ना उसमें प्रॉब्लम थी, 2 घंटे लग गए मुझे दूसरा मोड ढूंढने में। वैसा ही मतलब लोग डाल देते हैं मोड लेकिन वो मोड करप्ट होते हैं, उसके अंदर कुछ फाइलें मिस होती हैं, तो भाई मुझे बड़ी मुश्किल से मिला। फिर मैंने उसको लगाया तो करते करते मुझे 5:30 बज गए, फिर मुझे लाइव स्ट्रीम करनी थी 6 बजे, इसलिए फिर मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अब मैंने सब कुछ सेट कर दिया, बस गाड़ी वाड़ी लगानी है उसके अंदर बढ़िया सी,
और फिर बनाते हैं भाई उसका बढ़िया सा वीडियो, अभी आएगा बस इसके बाद। और भाई GTA 5 की डिमांड आ रही है और माइनक्राफ्ट की भी आ रही है, तो भाई वो भी खेलेंगे। और आज भाई एक एक या 1 बजे के बाद 2 बजे के बाद मडर रनर आने वाली है एपिक गेम स्टोर पे फ्री में, तो डाउनलोड कर लेना उसको भी, मल्टीप्लेयर खेलेंगे। ट्रकों की गेम है भाई, बहुत मज़ा आता है उसमें, ट्रक चलाना पड़ता है जंगलों के अंदर, कीचड़ के अंदर, बहुत ही बढ़िया गेम है वो। मैंने कई उसके गेम प्ले बनाए हैं, अगर आप देखना चाहते हो कि वो गेम कैसी कैसी है, कैसे चलती है, तो आप मेरे जाके पुराने वीडियो देखो जो मड रनर के हैं, स्पिन टायर्स मड रनर। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, खाएं पिए स्वस्थ रहें, और भाई जॉन डीरे चला के मस्त रहें। ओके दोस्तों, बाय बाय। जॉन डीरे नहीं होता, जॉन डियर होता भाई। ओके दोस्तों, बाय बाय।